नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मुंगेर से है। मुंगेर में 26 अक्टूबर को दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए अनुराग और 29 अक्टूबर को हुए उपद्रव में डीआईजी मनु महाराज के निर्देश पर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पहली बैठक मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के कार्यालय में हुई, जिसमें दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दिन हुए विवाद के बाद उपद्रवियों के द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति मामले को लेकर कुल 16 एफआईआर हुए हैं, जिसकी समीक्षा मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के निगरानी में की गई। मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महाराज के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें पहले 7 सदस्य थे, क्योंकि इस मामले में कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसको लेकर जांच टीम में अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। कुल 23 अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं, जिसके रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जानते होंगे कि दुर्गा पूजा विसर्जन के क्रम में जो घटनाएं हुई थी, जिसमें विभिन्न प्राथमिकी दर्ज हुआ है, 29 को जो घटनाएं हुई थी शहर में चुनाव के बाद, उस पूरे प्रकरण में जितनी भी प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें पुलिस उपाधीक्षक महोदय मुंगेर क्षेत्र की तरफ से एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है। उसी जो सदस्य उनको आज बुला के जितने भी उसमें कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए आज प्रारंभिक बैठक की जा रही है, और इसमें जितने भी अनुसंधान करता है, किस प्रकार से हम लोगों को वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य एकत्रित करना है, उसके लिए सभी को उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर, कितने सदस्य टीम में है? सर, 7 सदस्य हैं, और इसके अलावा जितने भी अनुसंधान करता, टोटल 16 कांड प्रतिवेदित हुए हैं वो भी हैं, तो टोटल कुल मिला के 23 लोग हो जाएंगे।